मेटल स्फीयर आर फॉलिंग थ्रू ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, दे रखी है लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है 2×10³ केजी मीटर क्यूब विद द सेम यूनिफॉर्म स्पीड। दो मेटल स्फीयर है, दोनों की स्पीड यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी दोनों की सेम है। लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है 2×10³ विद द सेम यूनिफॉर्म स्पीड। द मटेरियल डेंसिटी दे रखी है 1 की दे रखी है आपको 4×10³ और सेकंड स्फीयर की दे रखी है 6×10³ रिस्पेक्टिवली। देन रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेशियो बताना है क्या होगा। तो v इक्वल टू क्या होता है 2/9 r स्क्वायर g इनटू में रो s माइनस रो l डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा नीटा। मटेरियल दोनों का सेम है तो नीटा की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। तो इस केस में यहाँ पे और डेंसिटी तो इस वी और वी भी दोनों के में क्या है, सेम है। इसने रेशियो पूछा है किसका, रेशियो ऑफ द रेडियस का रेशियो पूछा है। वैसे भी डेंसिटी अलग अलग है तो रेडियस अलग अलग ही होगी। तो रेडियस का रेशियो, वेलोसिटी दोनों में सेम ही है तो पहले वाले स्फीयर की वेलोसिटी इक्वल टू क्या कर दोगे, दूसरे वाले की। तो वी यानी कि 2/9 आर वन का स्क्वेयर इंटू में जी डिवाइड बाई में नीटा। रो एस की वैल्यू पहले के लिए है 4×10³ और लिक्विड की है 2×10³। इसको इक्वेट कर दोगे दूसरे वाले स्फीयर की वेलोसिटी से 2/9 आर टू का स्क्वेयर इंटू में जी डिवाइड बाई में नीटा। रो एस की वैल्यू है 6×10³ माइनस 2×10³। तो 2/9 से 2/9 कैंसिल, जी से जी कैंसिल एंड नीटा से नीटा कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा आर वन का स्क्वेयर इंटू में 2×10³ और यहाँ पे आ जाएगा आर टू का स्क्वेयर इंटू में 4×10³। 10³ से 10³ कैंसिल, 2 से इसको कट करोगे तो 2। तो R1 का स्क्वेयर डिवाइड बाय में R2 का स्क्वेयर, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/1। तो √2 ratio 1 आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका डी। क्योंकि R1 का स्क्वेयर बाय R2 का स्क्वेयर, इसकी वैल्यू 2/1 है तो रूट में लोगे तो √2 ratio क्या आ जाएगी, 1। तो R2 की जो वैल्यू है वो √2 ratio 1 आ जाएगी। एनी डाउट, डी ऑप्शन।